आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे धन्य वचन, यीशु का पहला प्रचार, जिसे हम यीशु का पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 3 से लेकर 11-12 तक। चलिए पढ़ते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन।